शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन करने की एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी हम कई सारी मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक सीख चुके हैं और आज भी इस वीडियो में हम वही सीखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में ये किस तरीके की है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9 की सीरीज के साथ आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 की सीरीज यानी 9, 99, 999, 9999, अगर हिंदी में कहें तो 99, 999, 9999, 99,999 और ये फिर आगे तक चलती रहेगी। तो ये है 9 की सीरीज यानी 9 की सीरीज। तो आप इसका बढ़ा भी सकते हो और साथ में जो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर भी आप कितना ही बड़ा ले सकते हो। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं 99 से। 99 मल्टीप्लाई बाय 24, सो दोनों ही 2 डिजिट के नंबर्स हैं। अब 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन तो इससे पहले भी हमने सीखी है, ट्रिक फ्रॉम टाई बो टाई मेथड, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, 9 की सीरीज से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए उससे कैसे करना होगा। तो 99 है मल्टीप्लाई 24, तो ये जो यहाँ पे नंबर है ना जो 99 से गुणा हो रहा है, यानी 9 की सीरीज के किसी भी नंबर से जो नंबर गुणा हो रहा है उस नंबर का आपको एक पहले वाला नंबर लिख लेना है। यानी 24 से पहले क्या आता है, 23 आता है, सो आपको यहाँ पे 23 लिख देना है, ठीक है। यानी आपको -1 कर देना है, ये याद रखो। क्या जो भी नंबर दिया गया हो जिससे हम 9 की सीरीज के किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर का एक कम करके हम लिख देंगे, 23 हो गया 24 का। अब जो एक कम किया आपको उसे 99 में से माइनस कर देना है, यानी 99 में से यहाँ पे आपको 23 माइनस कर देना होगा। सो 9 में से 3 गया तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, बस आ गया आंसर 2376 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो जी हाँ, आप भी इतनी फटाफट से आंसर ला सकते हो इस ट्रिक को सीखने से। अच्छे से आप वीडियो देखते चलिए क्योंकि आपके लिए भी लास्ट में क्वेश्चन रहेगा जिसे आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करना होगा। अब आते हैं अगले एग्जांपल पे। 99 मल्टीप्लाई बाय 56, तो क्या करना है, इसका एक पहले वाला नंबर यानी 56 का पहले वाला कौन सा हो जाएगा, 55। अब वही 55 को इसमें से हमें माइनस कर देना होगा। सो 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, सो ये आ गया 5544। ये थोड़े दूर दूर हो गए, इन्हें पास कर देते हैं, 5544 हो गया इसका आंसर। अब वहीं पे नंबर यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे जो है 999 हो गया यहाँ पे और मल्टीप्लाई में 251। अब देखो क्या करना होगा, वही जिस नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई उसका एक पहले वाला लिख दो, यानी 250 हो जाएगा 251 का पहले वाला नंबर। अब इसे माइनस कर दो इसमें से, सो 9 यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 बचेगा और 9 में से 2 गया 7, यानी 749 ये यहाँ पे लिख दो, बस आ गया आपका आंसर यहाँ पे निकल के 250,749। मतलब बस एक कम करना है और एक बार माइनस करनी है और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये और भी बड़ा हो गया, 9999 मल्टीप्लाई बाय 1245। दोनों ही नंबर 4 डिजिट के हैं तो इसमें भी यही करना है, इससे पहले वाला लिख दो, यानी 1245 का हो जाएगा 1244। अब इस नंबर को इसमें से माइनस कर दो, सो 1244 को जब हम माइनस करेंगे, सो 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 9 में से 4 फिर से 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। तो इसे अब इसके आगे जोड़ दो, मतलब इसके आगे लिख देना है, ऐड नहीं करना है। अब इसे इसके आगे लिखने से ये इसका आंसर आ गया, थोड़ा लंबा सा आ रहा है, लेकिन आप फटाफट से अगर इसे ट्रेडिशनल मेथड से करने बैठते तो इतनी जल्दी आंसर नहीं आता। तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1,24,48,755। मतलब आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो इस 9 की सीरीज के साथ इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, 99 की मल्टीप्लाई करनी है 32 से, बहुत ईजी है, जस्ट आपको इससे पहले वाला लिखना है। अब थोड़ा सा बता दूं तो 32 से पहले 31 आएगा, माइनस कर दो और लिख दो, वही हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।